गुड आफ्टरनून क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट्स। यार बच्चों, जैसे जानते हो कि पिछली वीडियो मैंने आप लोगों को क्लास यानी इंग्लिश ग्रामर से भेजी गई थी। जो भी वीडियो भेजी गई अब तक आप लोगों को ग्रामर से ही भेजी गई थी, और अब जो है आज मैं आप लोगों को जो वीडियो भेजने जा रहा हूँ वह आपकी नई बुक से है। अब तक क्लास नाइन्थ में जो भी टेक्स्ट बुक पढ़ाई जाती थी वह चेंज हो चुकी है, और टोटल आपकी इंग्लिश रीडर की जो बुक है, जो लिटरेचर बुक है, वो एनसीईआरटी की हो गई है। टोटल एनसीईआरटी है, और इसमें दो बुक आपको पढ़ाने के लिए दी गई है, ग्रामर के अलावा एक टेक्स्ट बुक अलग से है जिसको रीडर कहा जाता है, और एक पुस्तक है मोमेंट्स, उसका नाम है मोमेंट्स सप्लीमेंट्री रीडर में आ गई। पहले भी सप्लीमेंट्री रीडर क्लास नाइन्थ में चलती थी, दस में चलती थी, लेकिन अब वो टोटल उसको जो लेसन है सब चेंज कर दिए गए हैं, एनसीईआरटी बेस पर आ गए हैं, एनसीईआरटी की आ गई है किताब, और उस पुस्तक का नाम दिया है मोमेंट्स। एक अलग से और बुक है आप लोगों की इंग्लिश की, उसको मैं कल बता दूंगा, अगले वीडियो में बता दूंगा। पहले तो यह जो सप्लीमेंट्री रीडर जो मोमेंट्स की है इसको मैं आज पढ़ा रहा हूँ, शुरुआत किया हूँ। चैप्टर वन पहला लेसन है, पहला लेसन का नाम है द लॉस्ट चाइल्ड, गुमशुदा बच्चा यानी खोया बच्चा। आप लोग नई पुस्तक को खरीद लीजिए, बाजार में पुस्तक उपलब्ध है, और पुस्तक को खरीद करके अपने पास रखिए, और जो वीडियो बनाकर भेजा जा रहा है उसके भाव को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, उसको अपने पुस्तक में भी पढ़िए, वीडियो को देखिए, और वह लेसन तैयार कीजिए। यह एक स्टोरी है, कहानी है पहले चैप्टर की सप्लीमेंट्री रीडर मोमेंट्स की, जिसमें एक बच्चा है, छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, अपनी माता पिता के साथ मेले में जाता है। बसंत का त्यौहार था, उसमें मेला लगा हुआ था। वह बच्चा जैसे और भी लोग जा रहे थे, मेरे बच्चों को लेकर जा रहे थे, वैसे भी एक बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में गया, नए कपड़ों को पहने हुए। मेले में जाने के पश्चात वह बच्चा जैसे मेले में प्रवेश कर रहा है, वह लाइन से कतार से तरह तरह के अपने सामानों के बेचने वाले दुकानदार अपने दुकानों को सजाए हुए थे, मिठाई वाले मिठाई सजाए हुए थे, गुब्बारे बेचने वाले गुब्बारों को सजाए हुए थे, और तरह तरह के लोग खिलौने बेचने वाले दुकानदार थे, अपने अपने खिलौनों को लेकर के बेच रहे थे। लड़का जो है जब मेले में प्रवेश करता है तो बारी बारी से खिलौनों की तरफ आकर्षित होता है, और अपने माता पिता से आग्रह करता है, लेकिन उसके माता पिता खिलौनों खरीदते नहीं हैं, कहते हैं कि आगे बढ़ो। जैसे ही लोग आगे बढ़ते हैं वह लड़का जो है गुब्बारों को देखता है, उसको भी लेने की चेष्टा करता है, लेकिन वो जानता है कि मेरे माता पिता मेरी चेष्टा को पूरा नहीं करेंगे, और वह जो है धीरे से आगे बढ़ जाते हैं लोग। लड़का जो है जब वो आगे बढ़ते हैं तो एक दूसरे खिलौने के प्रति आकर्षित होता है, और इसके माता पिता तो क्रमशः आगे बढ़ जाते हैं, ये लड़का उन खिलौनों को देखते ही देखते पीछे छूट जाता है। इसके माता पिता मेले में काफ़ी अंदर चले जाते हैं, काफ़ी लोगों की भीड़ थी, हैं, और लड़का लड़के का साथ माता पिता से छूट जाता है। इसलिए लेखक ने इस लेसन का नाम रखा है द लॉस्ट चाइल्ड, गुमशुदा बच्चा, खोया बच्चा। अब जो है पैराग्राफ वन है चैप्टर का, पहला पैराग्राफ मैं पढ़ा रहा हूँ, इस पर मैंने लिखा है
चूंकि बुक नहीं है अभी, मैं पहला लेसन को तो इस तरह से लिख करके ब्लैक बोर्ड पर वीडियो के माध्यम से भेजने का प्रयास करूंगा, भेजूंगा, लेकिन इसके बाद जो अगले चैप्टर आएंगे मैं बुक से ही पढ़ाऊंगा और वीडियो में सिर्फ मेरी आवाज़ सुनाई देगी। आप लोग घर पर किताब रखिएगा और लेसन सामने रखिएगा और वीडियो को ओपन कीजिएगा और तब जा करके आपको समझ में आएगा। इस तरह से तो मैं पढ़ाते रहूँगा, काफ़ी लेसन दिए गए हैं, तो आप लोग पुस्तक खरीद लीजिए, ले लीजिए और पुस्तक की सहायता से पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यह जो नई बुक आई है एनसीईआरटी की है। अब पहला लेसन है, इसको मैं पढ़ा रहा हूँ, इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। नीचे कुछ डिफिकल्ट वर्ड दिए गए हैं, इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, बसंत का त्योहार था, बसंत का त्योहार था, फेस्टिवल मैंने त्योहार होता है, स्प्रिंग बसंत होता है। इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, बसंत का त्योहार था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स, विंट्री शेड्स मैंने होता है शीतल छाया, विंटर, विंटर मैंने जाड़ा होता है, शीतल होता है, विंट्री शेड शीतल छाया से, फ्रॉम मैंने से होता है, फ्रॉम द विंट्री शेड्स शीतल छाया से, आप नैरो लेंस, नैरो मैंने तंग या सकरा होता है, लेंस मैंने गलियां होता है, गली जो मेले में गली गई थी विभिन्न दिशाओं से, एलेंस मैंने मार्ग होता है, रास्ता होता है, तो फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेंस एंड एलेंस, तंग गलियों और मार्गों के शीतल छाया से, तंग यहां से देखिए, तंग गलियों और रास्तों या मार्गों की शीतल छाया से इमर्ज ए गेली क्लैड ह्यूमिडिटी आ रही थी, इमर्ज मैंने आ रही थी, गेली क्लैड, ग्लेनी मैंने होता है खुशी, क्लैड बने पहने हुए, खुशी लिपटे हुए, ह्यूमिडिटी बने हैं लोग, मानवता, लोगों की भीड़ प्रसन्नता के साथ आ रही थी। इसके बाद है, फिर से देखिए, इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, बसंत का त्योहार था, फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेंस एंड एलेस, तंग गलियों और मार्गों के शीतल छाया से इमर्ज ए गेली क्लैड ह्यूमिडिटी, लोगों की प्रसन्न लोगों की भीड़ इमर्ज आ रही थी। सब वाग कुछ पैदल चल रहे थे, सब रोड ऑन हॉर्सेस कुछ घोड़ों पर बैठकर चल रहे थे, घोड़ों की सवारी से जा रहे थे। अदर साइड बींग कैरीड इन बम्बू एंड बुलक कार्ट, कुछ लोग बांस और बांस से बने हुए बैलगाड़ियों पर होकर के बैठे हुए आ रहे थे। अदर साइड कुछ लोग बैठे थे, बींग कैरीड इन बम्बू एंड बुलक कार्ट, बुलक कार्ट में बैलगाड़ी होता है जिसमें बम्बू लगा होता है, बांस लगा होता है ना, तो बांस की बने हुए बैलगाड़ियों में कुछ लोग बैठे हुए आ रहे थे। वन लिटिल चाइल्ड, एक नन्हा सा बालक, रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग, अपने पिता के पैरों के नीचे बीच से होकर के दौड़ा, ब्रीमिंग ओवर विथ लाइफ, और वह जीवन की खुशी से भरा हुआ था, जीवन की भरी हुई खुशी से भरा हुआ था और लाफ्टर हंस रहा था, प्रसन्नता से भरे हुए, जीवन की प्रसन्नता से भरे हुए, खुशी से भरे हुए लड़का अपने माता पिता के पैरों के बीच से हो, अपने पिताजी के पैरों के बीच से होकर के दौड़ा। देखिए ब्रीमिंग मैंने होता है भरा हुआ, ओवर माने अत्यधिक भरा हुआ, विथ लाइफ जीवन की खुशी से, एंड लाफ्टर प्रसन्नता, दौड़ा, जब दौड़ता है आगे बढ़ता है, अपने पिता के पैरों के बीच से होकर के आगे दौड़ता है खुशी होकर के, तब उसके माता पिता कहते हैं कम चाइल्ड कम,
आओ बच्चा आओ, कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसकी माता पिता बुलाए। एज ही लेफ्ट बिहाइंड, जैसे ही पीछे बिछुड़ा, लेगेड मैंने बिछुड़ा या छूटा, जैसे वो पीछे छूटा, फैसिनेटेड बाय द टॉयज, खिलौनों से आकर्षित होकर के, इन द शॉप्स दुकानों में, दैट लाइन द वे, जो मार्गों पर कतारों में लगी हुई थी, जो मेले में मार्ग की कतारों कतार में लगी हुई दुकानें थी, दुकानों में खिलौनों के द्वारा वह लड़का फैसिनेट आकर्षित हो गया, ललचा गया और लेगेड बिहाइंड और पीछे छूट गया। तब उसकी माता पिता अपने बच्चे को बुलाते हैं, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चा आओ। इतना ही आज मैं पैराग्राफ वन से आप लोगों को लेसन प्रारंभ मैंने किया है। इसका डिफिकल्ट वर्ड नीचे दिया गया है ना, इसको आप लोग याद कर लीजिए और इस लेसन को, पहला पैराग्राफ को पढ़ने का प्रयास कीजिए, बुक अवश्य ले लीजिए। इसके बाद अगला मैं कुछ डिफिकल्ट वर्ड लिख देता हूं। यहां तो मैंने लिखा है इमर्ज्ड, और इमर्ज्ड के बाद क्या है, गेली, गेली शब्द है, गेली में होता है प्रसन्नता, क्लाइड, क्लाइड में होता है लिपटे, खुशी लिपटे, और लाफ्टर मैंने होता है वो भी खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, ड्रीमिंग, ड्रीमिंग मैंने होता है भरे हुए, खुशी से भरे हुए, जीवन की खुशी से भरे हुए। अब इसमें लैगेड, पिछुड़ गया, बिछुड़ गया, बिछुड़ गया, बिहाइंड में पीछे होता है, फैसिनेटेड, फैसिनेटेड, फैसिनेटेड मैंने होता है ललचा गया या आकर्षित हो गया। आकर्षित हो गया, बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड। बस इतना ही है डिफिकल्ट वर्ड। डिफिकल्ट वर्ड को आप पढ़िए, याद कर लीजिए, इसके पश्चात इस पैराग्राफ को पढ़िए, पढ़ने के बाद इसके भाव को समझिए, बुक ले लीजिए। इस तरह से मैं आज शुरुआत किया है पैराग्राफ की, और बाकी पैराग्राफ को किसी दिन दो पैराग्राफ, किसी दिन तीन पैराग्राफ मैं वीडियो बना के भेजूंगा, उसको समझा दूंगा, और आप लोग उस वीडियो को देखिए और किताब के माध्यम से उस लेसन को तैयार करिए। जब लेसन समाप्त हो जाएगा तब इसका क्वेश्चन आंसर मैं वीडियो के माध्यम से भेजूंगा। आज बस इतना ही रहेगा, लेसन की शुरुआत है। थैंक यू।